छत्तीसगढ़ में अब अगले 48 घंटे भारी हैं। छत्तीसगढ़ पर अगले 48 घंटे भारी हैं, चूंकि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो छत्तीसगढ़ पर अगले 48 घंटे भारी हैं। आपको बता दें कि तमाम ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, हालांकि अभी भी 48 घंटे भारी बताए जा रहे हैं। सुप्रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, एक तरफ तो बाढ़ की वजह से, क्योंकि बाढ़ की स्थिति छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बनी हुई है, कई जिलों में बनी हुई है, लेकिन अभी भी 48 घंटे भारी बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि महज 2-3 घंटे की बारिश से रायपुर के तमाम इलाकों में जलभराव की स्थितियां निर्मित हो गई थी, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में इस तरीके की स्थितियां बनी हुई थी, तो वहीं अब बारिश को लेकर के मौसम विभाग ने 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। इन अलर्ट के अलावा मौसम विभाग ने कहा है कि यदि बिजली गिरने की संभावना कहीं पर नजर आती है तो अति आवश्यक कारणों से ही बाहर निकले, अन्यथा कोई व्यक्ति बाहर ना निकले। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न ऐसे जिले हैं जहाँ पर भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। यानी कि बारिश को लेकर के अभी 48 घंटे छत्तीसगढ़ के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना बनेगी। और वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि सिस्टम भी बन चुका है, तो सिस्टम बनने से बारिश जो है वो होगी ही होगी। बिल्कुल, यानी कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। सुप्रिया बने रहिए आप हमारे साथ। तो छत्तीसगढ़ पर अगले 48 घंटे वो भारी देखने को मिल रहे हैं।